Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 15 and the name of our unit is Inventions, yani ki mukhtalif ijadat humne is chapter mein padhni hai. So my dear students, aaj ka lecture bhi isi pe hai ki aapko jaan aap ye jaan sake ki basically inventions hoti kya hai. So my dear students, let's get started with an activity. So my dear students, you will see some pictures on your screen like a computer, LCD, mobile phone. So my dear students, आप देखें कि इनसे हमें कितने फायदे हासिल होते हैं. इंटरनेट पे आप मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर पे आप मूवीज देखते हैं, इसके अलावा आप इसको रिसर्च वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टडी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. LCD या TV जो है, इसके ऊपर आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, न्यूज देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. एंड मोबाइल फोन द बेस्ट थिंग ऑफ ऑल, यानी कि इसने फासलों को समेट दिया है और जैसे जैसे हम मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया हमारे लिए बिल्कुल छोटी सी हो गई है. आप पाकिस्तान में बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं और उससे कनेक्ट कर सकते हैं. तो देखें इन तमाम चीजों के हमें कितने ज्यादा फायदे हैं. लेकिन अभी एक्टिविटी का मकसद ये है, इन तस्वीरों को दिखाने का आपको मकसद ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल जो है, ये किसने ईजाद किए या ये कहां से आए? कभी पता चल सोचा आपने कि ये क्या ये हमेशा से थे? क्या आपके दादा के जमाने में या उनसे भी पहले ये थे? बहुत साल पहले भी ये इसी तरह मौजूद थे जिंदगी में? वेरी गुड, ऑफ कोर्स नॉट, ये हमेशा से मौजूद नहीं थे. इन्हें आहिस्ता आहिस्ता बनाया गया और उसके बाद इसके अंदर भी जिद्दत आती गई, यानी कि इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई. तो इसका मतलब यह है कि ये टेक्नोलॉजीज जो आप आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमेशा से मौजूद नहीं थी, किसी ना किसी ने जरूर इनको इजाद किया है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम मुख्तलिफ इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे. सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट एन इन्वेंशन इज, यानी कि बेसिकली इजादात क्या है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द प्री रीडिंग क्वेश्चन, क्विकली टेल मी व्हाट इज द इन्वेंशन, हु इज इन्वेंटर. क्या आपको पता है इन्वेंशन क्या होती है? बेसिकली बच्चों, अगर आसान अल्फाज में आपसे बात की जाए तो इन्वेंशन एक ऐसी चीज होती है जो कि पहले कभी मौजूद नहीं थी. ठीक है, कोई एक ऐसी चीज का बनाना जो कि पहले कभी मौजूद नहीं थी, उसको हम इन्वेंशन कहते हैं. और जो शख्स उसको बनाता है, जो उसका मौजूद होता है, उसको हम अंग्रेजी में इन्वेंटर कहते हैं. So my dear students, now quickly open page number 141 in your GK3 book. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Invention. Anything created new by humans is called invention. It does not exist before. The person who creates it is called an inventor. Today we have a lot of inventions to use and get benefited from. Some inventions make our world easier and some make our life comfortable. The list of inventions is endless. From a needle to an aeroplane, all are inventions. So my dear students, basically कोई ऐसी चीज बनाना जो कि पहले कभी मौजूद नहीं थी, उसको हम invention कहते हैं. कोई नई चीज का मतलब ये नहीं कि अगर आपने नए कपड़े सी लिए हैं तो ये एक invention है. कोई ऐसी चीज जो कि पहले कभी मौजूद नहीं थी और उसको जिंदगी को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए बनाया जाए, उसको हम इन्वेंशन कहते हैं. इन्वेंशन जो है वो लातादाद है. एक छोटी सी सुई से लेके एक बड़े जहाज तक, तमाम जो है ये इन्वेंशन है और ये तमाम की तमाम हमारी जिंदगी को आसान किए हुए हैं, कंफर्टेबल बनाए हुए हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करते हैं. Which inventions do you like the most? Make a list of your most favorite inventions. Encircle the inventions from the one you have listed. You would least like to live without them. Can you give a reason for it? So my dear students, अब आपको एक list बनानी है. जल्दी से मैं पहले आपको guidelines दे दूं, थोड़ी सी मैं आपको briefing दूंगी, उसके बाद आप video को pause करके इस activity को करेंगे. तो आपने क्या करना है कि जो भी inventions, जैसे कि मुझे mobile phone बहुत पसंद है, computer बहुत पसंद है, मुझे लाइट बहुत पसंद है, पंखा और एसी बहुत पसंद है, क्योंकि ये तमाम चीजें मेरी जिंदगी को बहुत ही कंफर्टेबल और आरामदेह बनाए हुए हैं. इसके अलावा अगर कहीं जाना हो तो मुझे गाड़ी भी बहुत ज्यादा पसंद है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है.
तो कितनी इन्वेंशन आपको पसंद है अपने इर्द गिर्द से जो आपकी जिंदगी को आसान बनाए हुए हैं, आपने उनकी इस तरीके से एक लिस्ट बनानी है. राइट डाउन द नेम ऑफ द इन्वेंशन, फॉर एग्जाम्पल कार, मोबाइल, और उसके बाद आप उसका पर्पस बताएं, ट्रेवलिंग, कनेक्टिविटी, और फिर आप ये बताएं कि रीजन नॉट टू लिव विदाउट इट. इनमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं आपने सर्कल करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी के बगैर नहीं रह सकती, तो क्या रीजन है इसका, इसका रीजन ये है बिकॉज इट हेल्प्स मी टू, हेल्प्स मी इन ट्रेवलिंग एंड आई लव ट्रेवलिंग. तो इस तरीके से आपने कोई भी रीजन जो आपकी बुनियाद पर आपको लगता है कि ठीक है, आपने उसको इस तरीके से कंप्लीट करना है. तो आप यहां पर देख सकते हैं, अब कंप्यूटर स्टोर्स डेटा, डूइंग रिसर्च और वर्क, और इसके बगैर हम क्यों नहीं रह सकते, कैन नॉट डू वर्क और रिसर्च विदाउट कंप्यूटर. तो इस तरीके से आपने इसको वीडियो को पॉज करके इस इंडिपेंडेंट एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the evaluation. So my dear students, मैं आपसे कुछ oral questions पूछूंगी और आपने oral ही उनको answer करना है. So define an invention. Anything that is made new and was not present before is called an invention. So is marble an invention? क्या marble एक invention है? No, my dear students, marble invention नहीं है. मार्बल जो है पहले से जमीन में मौजूद था और इसको हम जमीन से निकालते हैं, तो इसलिए ये कोई इन्वेंशन नहीं है. ये पहले से जमीन में मौजूद था और उस पत्थर को हम निकाल के और उसको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. विच वन इज एन इन्वेंशन, क्ले और क्ले टॉय? क्ले इज नॉट एन इन्वेंशन क्योंकि ये पहले से मौजूद है. क्ले टॉय इज एन इन्वेंशन, यानी कि कोई चीज आप जब उससे बना लेंगे नई चीज, तो वो इन्वेंशन है. Why do people make inventions? अब इजादात जो है ये क्यों की जाती है? ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए. शाबाश. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the practice for which you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number, and then what are inventions? हम inventions किसको कहते हैं? Then who is called an inventor? आपने इसको भी डिफाइन करना है. द पर्सन हु इन्वेंट्स समथिंग इज कॉल्ड एन इन्वेंटर. नेम्स एन इन्वेंशन एंड लिस्ट आउट विदाउट विच वन वी कैन लिव और विदाउट विच वी कैन नॉट लिव. तो माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सी इन्वेंशन हैं जिनके बगैर आप नहीं रह सकते और किनके बगैर आप रह सकते हैं? अब आपने यहां पर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कार, टीवी, मोबाइल, और फिर आप किनके बगैर रह सकते हैं? I cannot live without car. I can live without car. I can live without TV. I cannot live without mobile phone. So इस तरीके से आपने इनको टिक एंड क्रॉस करना है. So pause the video and quickly finish it. I hope everybody has done it. So now is the time to note down your homework. In your homework, you will do question number 1 given on page number 148, and you will do independent activity given on page number 141. जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाई थी, आप उसको होमवर्क में भी कंप्लीट कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द इन्वेंशन, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी को आसान करती है, उसको हम बनाते हैं और वो उससे पहले कभी मौजूद नहीं होती, तो उसको हम इन्वेंशन कहते हैं. और किसी भी चीज को इजाद करने वाले को हम इन्वेंटर कहते हैं. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह.